कोरोना संक्रमण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सक्षम बनाने के दावे सरकारें खूब करती है, पर हकीकत अलग है। इसकी वानगी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में गर्भवती की दर्दनाक मौत का ताज़ा मामला है। जिला अस्पताल की दहलीज पर एक गर्भवती प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन रात अधिक होने के कारण दरवाजे नहीं खुले, और जब खुले तो बहुत देर हो चुकी थी। अंततः गर्भस्थ शिशु के साथ गर्भवती की सांसें थम गई। जाहिर होता है कि जिला मुख्यालय तक के सरकारी अस्पताल दुर्दशा की बीमारी से ग्रस्त हैं। जवाबदेही का संकट स्वास्थ्य सेवाओं पर गहराया हुआ है। दुखद तो यह है कि देश भर के अलग अलग इलाकों से इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण किस्से सामने आते ही रहते हैं। सरकारी तंत्र सदैव ही इन पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। जांच समितियां बनती है और बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे उनका काम समाप्त भी हो जाता है। न किसी को दंड मिलता है और न ही व्यवस्था में सुधार की कोई ठोस पहल ही होती है। हाँ, मगर इस तरह की घटनाओं पर अदालतों से ने जरूर कड़ा संदेश देते हुए राज्य को दंडित किया है। हाल ही में चेन्नई उच्च न्यायालय की मदुरे खंडपीठ ने वहां की राज्य सरकार को आदेशित किया कि मृतका के परिजन को 5 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए। इस केस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी थी और उसे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल ले जाना था, मगर वक्त पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला की जान चली गई। फैसले में अदालत ने यह भी कहा है कि आपातकालीन सेवा में कोताही बरतने पर सरकार को माफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक पल की देरी से भी किसी की जिंदगी जा सकती है। अब प्रश्न यह है कि क्या अदालत के इस आदेश को कोरोना की दूसरी लहर में बहुत हुई मौतों के संदर्भ में देखा या पढ़ा जा सकता है। कोरोना काल में अस्पताल परिसर में ही बेहिसाब लोगों की सांसें घुट गई। उन्हें न तो कोरोना पीड़ित माना जा रहा है और न ही व्यवस्था की खामी का शिकार। वैसे तो मृतकों के परिजन को मुआवजा देने का मामला शीर्ष न्यायालय में विचाराधीन है, फिर भी सीहोर जिले में हुई लापरवाही जैसे मामलों के बारे में अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। वर्तमान में नागरिकों को यह जानकारी ही नहीं है कि वे सरकार के आगे
गिड़गिड़ाने के बजाय अदालत की शरण में भी जा सकते हैं। जब ऐसी घटनाएं याचिका बनकर अदालतों में जाएंगी तो ही सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के आसार बन सकते हैं। पैरा, ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के शपथ पत्र में अभी एक माह है। उन्हें रोजाना कई समस्याओं की सूचनाएं मिल रही है जिनसे उन्हें रूबरू होना है, जैसे इराक और सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकानों पर अमरीकी हवाई हमले, तेहरान के निकट सेंट्रीफ्यूज फैक्ट्री पर इजरायली ड्रोन हमला, वियना में वैश्विक ताकतों के साथ परमाणु संधि पर वार्ता का रुकना और 1988 में हजारों राजनीतिक कैदियों की हत्या में संलिप्तता के आरोपों की जांच की मांग आदि। इनसे परे रईसी के समक्ष सबसे अधिक दबाव वाली स्थिति है पेट्रोलियम उद्योग में हड़ताल और प्रदर्शन। श्रमिकों की यह अशांति रईसी के सामने आसन्न आर्थिक संकट की गंभीरता बताती है। ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध के बावजूद हाल के वर्षों में श्रमिक सक्रियता काफ़ी बढ़ी है। वजह ईरानी अर्थव्यवस्था में घोर कुप्रबंधन, व्यापक भ्रष्टाचार और अमरीकी प्रतिबंध है। ऊर्जा क्षेत्र यानी पेट्रोलियम कामगारों की नाराजगी ज़्यादा भयावह है। देश की राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका रही है। 70 के दशक के आखिर में पेट्रोलियम कामगारों की हड़ताल ने देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया था। शाह रजा पहलवी द्वारा हड़ताल को बलपूर्वक दबाने की कोशिश और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने से उत्पन्न विरोध अन्य क्षेत्रों में फैल गया था, जो अंततः 1979 की क्रांति में शाह को हटाने का कारण बना। कामगारों में आज जो रोष है 42 वर्ष पहले की उग्रता की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। पर बीते माह राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह समय कम मतदान हुआ और बड़ी संख्या में खराब मतपत्र मतपेटियों में डाले गए, उससे जनता की मनोदशा के पर्याप्त संकेत मिलते हैं। रईसी को 3 सालों से लगातार संकुचित हो रही अर्थव्यवस्था विरासत में मिलेगी। ईरानी रियाल के मूल्य में 80% गिरावट आई है और बाइडेन प्रशासन संकेत दे रहा है कि उसे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की कोई जल्दी नहीं है। ऊर्जा क्षेत्र के श्रमिकों का असंतोष दूसरे क्षेत्रों में फैला तो संभव है कि 4 दशक पहले जो ताकतें ईरान के जन्म की गवाह बनी थी उन्हें हस्तक्षेप करने को मजबूर होना पड़े। सरकारी विभागों में संविदा के आधार पर नियुक्तियां एक तरह से निजीकरण की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। संविदा कर्मी अपने जीवन के कई वर्ष कम वेतन पर काम करते हुए ही बिता देते हैं, फिर भी रोजगार के स्थायित्व की कोई गारंटी नहीं होती। इससे युवा वर्ग के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। संविदा की नौकरी एक ऐसा मकड़ जाल है जिसमें सरकारें
बेरोजगार युवाओं को फंसाती है। संविदा कर्मी शोषण के शिकार होते हैं। बेहतर तो यह है कि संविदा का पर भर्ती बंद कर दी जाए और वर्तमान में जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमित कर दिया जाए। युवा वर्ग के साथ धोखा बंद होना चाहिए। आजकल सभी विभागों में संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं। सरकार का कार्य यही कर्मचारी संभाल रहे हैं, किंतु इनकी शर्तों में परिवर्तन जरूरी है। विभाग को चलाने के लिए आवश्यकता के अनुसार भर्ती होनी चाहिए। सेवा के अनुसार सुविधाओं का विस्तार भी जरूरी है। अच्छे कर्मचारियों को स्थायी करना आवश्यक है।